कनाड़ी निकले डरपोक। ओ भाई बंटे भी मार रहा हूं पर मैं। ओ भाई तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खूनी गेमर्स में। तो आपने वीडियो को थंबनेल वो देख लिया, तो आज की वीडियो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार होने वाली, क्योंकि आज में हम बात करने वाले हैं बन टैप हेडशॉट के ऊपर। यानी आप चाहे M87 चलाते हो, चाहे शॉटगन चलाते हो यानी M1014, या फिर आप ड्रैगनॉक चलाते हो, या मतलब जिस गन से भी, मतलब डीजे टिकल से भी, किसी भी गन से अगर आप हेडशॉट मारते हो तो भाई मतलब आप इजीली हेडशॉट कैसे मार सकते हो। यानी आपकी गन का मेन प्रॉब्लम होता है रिकॉल खाना, ठीक है। यानी अगर आपकी गन रिकॉल खाती है, जब भी किसी बंदे को मारते हो ना, उस टाइम पर आपकी गन है ना बहुत ज़्यादा रिकॉल खाएगी, क्योंकि यार रिकॉल एक मेन जो रीज़न होता है ना वो होता है अपना रिकॉल का, ठीक है। आपकी गन रिकॉल ना खाए उसके लिए आपको मतलब कितना फायर बटन का साइज रखना है और एम कहाँ पर रखना है। तो भाई यहाँ पर मैं सब कुछ आपको क्लियर कर देने वाला हूँ, बट गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और गाइस मैंने कल बोला था कि जो भी बेस्ट कमेंट डालेगा उसको मेरी तरफ से 100 डायमंड वो दी जाएंगे। तो भाई आज इस वीडियो में भी एक 100 डायमंड का गिवअवे चल रहा है, तो भाई जो भी बेस्ट कमेंट डालेगा उसको मेरी तरफ से 100 डायमंड वो दी जाएंगे। तो भाई आज मतलब आज का, कल का और 3-4 वीडियो का और था किस किस को 100 डायमंड वो मिले, तो इसकी मैं स्टोरी पर मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट पर डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर मेरे को जरूर से जरूर फॉलो कर देना। और गाइस 29 के 29.5 कंप्लीट कप लोगों ने करवा दिए, अब गाइस 30 के सब्सक्राइबर के हम बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो यार छोटा सा एक आपकी थोड़ा सा वो करो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो, छोटी सी मेहनत करो, या वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि यार आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसे वो नहीं लगते। तो यार थोड़ा सपोर्ट आप लोग करोगे तभी कुछ आगे हो पाएगा। तो गाइस 30 के फैमिली, यार मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी उस टाइम पर कि आप लोगों ने मतलब सब्सक्राइबर मेरे इतने 30 के कंप्लीट करवा दिए। तो गाइस यार सभी वीडियो को लाइक, और चैनल पर जो भी भाई नया चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अब गाइस यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ बन टैप हेडशॉट, ठीक है। आप कोई सी भी गन चलाते हो उससे मतलब इजीली बन टैप हेडशॉट कैसे मार सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कस्टम एचटीमी, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सेंसिविटी में क्या रखता हूँ गाइस, जब भी आप ड्रैग मारोगे ना तो उसके लिए सेंसिविटी आपकी 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी सेंसिविटी वो 100 रखता हूँ। अगर यहाँ पे रेड डॉट मैंने 100 ना करके 70 क्यों कर रखा है, रेड डॉट मैंने 70 इसलिए कर रखा है क्योंकि आपकी जब भी गन चलाते हो ना तो उस टाइम पर आपका रिकॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको रिकॉल को कम करने के लिए यहाँ पर आपका रेड डॉट है ना उसका साइज आपको 70 ही रखना है। अब यहाँ पर मैं कस्टम एचडी की बात करूँ, यानी मैं अपनी कस्टम एचडी क्या रखता हूँ गाइस, मैं डिफॉल्ट प्लेयर हूँ और मतलब डिफॉल्ट में ही खेलता हूँ, ठीक है। अब आप गाइस किसी प्री साइज में खेलते हो या फिर किसी में भी खेलते हो, बट गाइस यहाँ पे मैं डिफॉल्ट में खेलता हूँ, और आप भी गाइस डिफॉल्ट में खेलोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि गाइस डिफॉल्ट में ड्रैग बहुत इजीली पड़ता है क्योंकि ये है वो चपकता नहीं है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ अपने फायर वाले बटन की, ठीक है, तो यहाँ पर फायर वाला बटन बन टैप मारने के लिए आपको फायर वाला बटन उस जगह पर रखना है जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा बार थंब जाता है। अगर गाइस आपका फायर वाला बटन का साइज़ है, जैसे मान के चलो आपका साइज़ है 70, ठीक है, तो गाइस उसको 60 कर देना यानी 10 घटा देना, ठीक है। अगर आपका 60 है तो उसको 50 कर देना, और 50 तो आपको गाइस यहाँ पर 40 कर देना, ठीक है गाइस, क्योंकि एक साथ अगर आप करोगे इतना कम तो गाइस आपको मतलब फिर फायर वाले बटन में प्रॉब्लम आएंगी। तो गाइस 10-10 करके घटाओ, ठीक है। अगर आपका 70 है तो उसको 60 कर दो, 60 है तो आपको 50 कर देना, अगर आपका 50 है तो यहाँ पर आपको 40 कर देना है। तो यहाँ पर आपका फायर वाला बटन वहीं पर रखना जहाँ पर आपका गाइस सबसे ज़्यादा बार थंब जाता हो। यानी आप कई लोगों को मैंने देखा है नीचे एक साइड रख लेते हैं, या कई लोग ऊपर की साइड रखते हैं, तो ऊपर और नीचे की साइड ना रख के थोड़ा सा मिडल में, ठीक है, मिडल में भी मत रखो, थोड़ा सा मिडल से थोड़ा नीचे, ठीक है, वहाँ पे अपने फायर वाला बटन को रखोगे तो ये आपको मतलब इजीली बन टैप हेडशॉट है वो पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी कस्टम एचडी वो बना के रखनी है। अब गाइस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ सेकंड टिप्स। तो भाई सेकंड टिप की बात करूँ तो भाई सेकंड टिप होता है अपना एम, ठीक है। अगर आपका एम अगर एनिमी के, यानी एनिमी के तो नहीं, आपके कंधे के ऊपर है ना, ठीक है, आपको अपना एम है ना वो अपने शोल्डर के ऊपर रखना है, ठीक है। अगर आपका एम आपके शोल्डर के ऊपर है, मतलब कितने भी हेडशॉट में मार रहा हूँ ना, तो यहाँ पे तुम अगर मेरा एम नोटिस करोगे ना, तो हमेशा मेरा एम है ना वो हमेशा मेरा कंधे के ऊपर रहता है। अब गाइस यहाँ पे मैं तीसरी टिप की बात करूँ तो यहाँ पे तीसरी टिप ये है कि आप जब भी फायर करते हो ना किसी एनिमी पे या किसी पे भी, तो एक तो अगर आपका हेड एक बार में नहीं पड़ता है क्योंकि उस टाइम पर रिकॉल अपनी गन बहुत ज़्यादा खाती है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, या तो उठक बैठक लगे देना है, या फिर अपनी गन को एक दो सेकंड नहीं 0.5 सेकंड के लिए आप गन को रोक देना है, या फिर सिंपली ये है कि मतलब आपको उठक बैठक लगानी है, ठीक है, तो आपका ईजिली मतलब बन टैप है वो बहुत ही ईजी पड़ेगा। तो गाइस जब भी हम गन चलाते हैं ना तो उस टाइम पर हमारा रिकॉल ना बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसके लिए गाइस यहाँ पे आपको एक सेकंड भी मत लगाना गाइस, यहाँ पे एक सेकंड तो बहुत हो जाएगी, आपको 0.5 सेकंड के अंदर अपनी गन है ना स्विच कर देनी है, ठीक है। स्विच कर सकते हो या फिर उठक बैठक लगा सकते हो, या फिर मतलब एक दो 0.5 सेकंड के लिए इधर उधर हो सकते हो। तो ये सब कुछ मैंने आपको लिए बता दिया है। अगर गाइस आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, और जो भी मानता है कि हाँ मनु भाई हमारा भाई है, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। अभी के लिए बाय बाय, लव यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।